नमस्कार, वेलकम टू एक सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। डिजिटल जमाना है, इंफॉर्मेशन आज आपका अपना मुट्ठी में है, पर उसको देखने के लिए आपको बताना चाहिए कहाँ मिलेगा। अब ये जो इंटरनेट का दुनिया है, जो वेब वर्ल्ड है, ये एक समंदर जैसा है। यहाँ पे हजारों लाखों करोड़ों इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, बट आपके लिए कौन सा इंफॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो आपको जानना होगा। अगर आप ये जान गए कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए ज़रूरी है, एक सर्विसमैन के लिए, एक पेंशनर के लिए, एक डिफेंस सर्विस पर्सनल के लिए, ऐसे कुछ वेबसाइट्स हैं जो रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होता है। वो इन्फॉर्मेशन आपके पास अगर नहीं है तो आप बहुत कुछ सुविधाएं मिस कर सकते हैं। आप अपने आप को अपडेट रखने में नाकामयाब होंगे अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन को नहीं देखते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं ध्यान देते हैं। तो इसलिए आज इस वीडियो में हम बताएंगे ऐसे 20 वेबसाइट्स हैं जो वेबसाइट्स आपको कम से कम महीने में एक बार तो देखना ही चाहिए, क्योंकि आजकल हर एक का हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है। आपके पास आप अभी जिस फ़ोन से यूट्यूब का ये वीडियो देख रहे हैं, उसी फ़ोन से आप चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट्स में। और सबसे बड़ी बात यह है, ये सारे गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, और इस वेबसाइट्स को आप इंग्लिश में देख सकते हैं, हिंदी में देख सकते हैं, या फिर आप अपना लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। ये ऑप्शन आजकल हर एक एंड्रॉयड फ़ोन में है। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कौन कौन सा वो 20 वेबसाइट्स है जो हमारे सबके लिए देखना जानना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, मेन वीडियो में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि इन्फॉर्मेशन का सुविधा सब लोग उठा सकें। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं वेबसाइट का जो सीरीज मैंने बनाया, उस सीरीज में सबसे पहला, सबसे टॉप जो वेबसाइट्स है, नंबर वन जो वेबसाइट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो है इंडियन आर्मी वेटरन्स पोर्टल। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंडियन आर्मी वेटरन्स पोर्टल, इस वेबसाइट्स में आपको एक वेटरन से जुड़ी हुई जो भी खबरें हैं, वो सारी चीज़ें, सारी इंफॉर्मेशन इसमें अपडेटेड आपको मिल जाता है। इसमें आप ग्रीवेंस भी डाल सकते हैं, आपका कोई ग्रीवेंस है आपका पेंशन के बारे में, या किसी भी आपका जो सुविधाएं हैं एक सर्विसमैन को प्रदान किया जाता है उसके संबंधित कोई अगर ग्रीवेंस आपके पास है तो वो ग्रीवेंस भी आप इसमें लॉन्च कर सकते हैं। और इसी वेबसाइट से आपको बाकी वेबसाइट्स का भी जो लिंक है वो मिल जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं लिंक्स करके ये जो बटन्स है। नेक्स्ट है इसका जॉब, यहाँ से जॉब वाला जो बटन है, इस पर क्लिक करके आप जान सकते हैं आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सा जॉब, कौन कौन सा वैकेंसीज अभी आपके लिए खाली है। और इसके अलावा आप यहाँ पे जो डाउनलोड जो बटन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको सारे फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे, जैसे एजुकेशनल फाइनेंशियल क्लेम के लिए, या फिर आपका जो वेटरन्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, एनओ के रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, और किसी भी तरह का फॉर्म्स का आपको ज़रूरत है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये था इंडियन आर्मी वेटरन्स पोर्टल। अब नेक्स्ट जो वेबसाइट्स है वो है डिपार्टमेंट ऑफ एक सर्विसमैन वेलफेयर, यानी कि DESW, ये वेबसाइट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक वेबसाइट है एक सर्विसमैन के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, एक सर्विसमैन डायरेक्टरेट का जो भी ऑर्डर्स होता है हमारे लिए, पेंशनर्स के लिए जो भी ऑर्डर्स है, वो सारे ऑर्डर्स आपको यहाँ पे जो OAM सर्कुलर जो बटन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस बटन का नीचे पेंशन सर्कुलर्स, ECHS सर्कुलर्स, रिसेटलमेंट सर्कुलर्स एंड वेलफेयर सर्कुलर्स, ये चारों टाइप का जो सर्कुलर्स है, यहाँ पे सारे सर्कुलर्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई भी जानकारी आपको चाहिए, जैसे पेंशन के बारे में आपको जानकारी चाहिए, कौन सा पेंशन है आपका, ORP के बारे में कोई जानकारी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगा। और कोई अगर आपका शिकायत है, आप RTI करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए RTI वाला बटन भी है, और पब्लिक ग्रीवेंस तो है ही। सो फ्रेंड्स, ये था डिपार्टमेंट ऑफ एक सर्विसमैन वेलफेयर। नेक्स्ट जो वेबसाइट है, नंबर 3, PCDA पेंशन। आप सभी जानते हैं जो डिफेंस का, आर्म फोर्सेज का जो पेंशन डिसबर्समेंट होता है,
PCDA यानी कि प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स का ऑफिस से। सो फ्रेंड्स, ये PCDA का जो वेबसाइट्स है वो हमारे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स है। इसी वेबसाइट से आप जान सकते हैं आपका PPO का स्टेटस क्या है, आपका PPO रिवाइज हुआ ही या नहीं, पेंशन रिवाइज हुआ ही या नहीं, अगर हो गया तो आपका PPO कब तक मिल सकता है, ये सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा पेंशन कैलकुलेशन का कोई भी क्वायरीज हो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे विंडोज़ है, बहुत सारे पेजेस है जिसमें पेंशन रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है, इसका लाभ आप उठा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 ECHS। लगभग सभी एक सर्विसमैन ECHS का सुविधा लेते हैं और ECHS का सुविधा अगर आप ले रहे हैं तो ECHS से जुड़ी हुई जो भी अपडेट्स है, जो लेटेस्ट ऑर्डर्स है, जो तौर तरीके हैं, वो सारी चीज़ आपको पता होना जरूरी है। जैसे कि अभी ऑनलाइन ECHS कार्ड आप बन रहे हैं वो भी इसी वेबसाइट के थ्रू आप बनवा सकते हैं, या फिर आपको कोई क्लेम करना है, आपका रेफरल का जो सुविधा है उसके बारे में आपको जानना है, किसी भी तरह का जानकारी आपको चाहिए तो आप इस वेबसाइट्स को देखें रेगुलरली ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट नंबर 5 डिफेंस पेंशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिफेंस पेंशनर्स के लिए एक अलग से वेब पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया, जहां पे आपका पेंशन रिलेटेड जो जनरल इंफॉर्मेशन तो मिल ही जाएगा, इसके अलावा पेंशन का सारे फॉर्म्स आपको मिल जाएगा, आपका जो पेंशन से जुड़ी हुई जो भी लिंक्स है, जैसे CGDA का है, ग्रीवेंस का है, PCDA नेवी, PCDA इलाहाबाद, CDA ऑफिसर, CDA चेन्नई और भी बहुत सारे लिंक्स इसमें है, और आपका पेंशन का जो सुविधा है, जो पेंशन का इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं उसका भी लिंक इसमें है। नेक्स्ट जो नंबर 6 में है वो है DGR यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ रिसेटलमेंट। एक सर्विसमैन का जो सेकेंड इनिंग्स ऑफ कैरियर होता है, सेकेंड इनिंग्स ऑफ कैरियर के लिए DGR का वेबसाइट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वेबसाइट में आपको मिल जाएगा आपको जो भी इंफॉर्मेशन जॉब का रिलेटेड चाहिए, एक सर्विसमैन का रिसेटलमेंट का रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस साइट से मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर 7, नंबर 7 में है डायरेक्टरेट ऑफ एयर वेटरन्स। डायरेक्टरेट ऑफ एयर वेटरन्स इंडियन एयरफोर्स का जो एक सर्विसमैन है, इंडियन एयरफोर्स का जो रिटायर्ड पर्सनल है उनके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेबसाइट है। इंडियन एयरफोर्स से जुड़ा हुआ जो भी आपका समाचार है इसमें आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, चाहे वो EPP हो या फिर ECHS हो या कोई भी एयरफोर्स का जो पेंशन रिविज़न हो, सभी इंफॉर्मेशन आपको इस साइट से, इंडियन एयरफोर्स का जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इस साइट से मिल जाएगा। नेक्स्ट है डायरेक्टरेट ऑफ एक सर्विसमैन अफेयर्स, नेवल। ये है इंडियन नेवी का जो एक सर्विसमैन है उनके लिए, उनका जो पेंशनरी बेनिफिट्स या पेंशन रिलेटेड जो भी क्वेरीज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, इंडियन नेवी ये देसा करके इनका एक साइट्स है जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एक सर्विसमैन अफेयर्स का वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, नेवल का है, और इस वेबसाइट्स के थ्रू आप इसमें जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इसका लाभ आप उठा सकते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय सैनिक बोर्ड। रिटायर्ड सैनिकों के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है। रिटायर्ड सैनिकों का जो वेलफेयर है वो पूरे है, इनके अंडर में है और वे ही लोग कंट्रोल करते हैं। केंद्रीय सैनिक बोर्ड एक डिपार्टमेंट ऑफ एक सर्विसमैन वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अंडर में एक ऑर्गेनाइजेशन है। आपका जितने भी वेलफेयर स्कीम है, एक सर्विसमैन को जो भी वेलफेयर स्कीम्स मिलता है, जैसे कि आपका कोई खास जो अलाउंसेस मिलता है, जो स्पेशल स्कीम्स है डिसेबल्ड एक सर्विसमैन के लिए, जो स्पेशल स्कीम्स है वीर नारीज के लिए, जो स्पेशल स्कीम्स है, जो रिसेटलमेंट का जो बहुत सारे स्कीम्स है, जैसे LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप, पेट्रोल पम्प वगैरह खोलने के लिए जो भी परमिशन मिलता है, ये सारी चीज़ यहाँ से डील होता है। ये है केंद्रीय सैनिक बोर्ड। नेक्स्ट नंबर 10 में जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट इंडियन डिफेंस फोर्सेस का द्वारा चालित नहीं होता है, पर एक सर्विसमैन के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट वेबसाइट है, वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक वेबसाइट है। यहाँ पे
एक सर्विसमैन के लिए जो वैकेंसीज, जो पोर्टल रहता है, जो भी नोटिफाई होता है, जॉब नोटिफिकेशन जैसे SSC CGL, SSC CHSL, MTS और SI इन दिल्ली पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, इस तरह का बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स है वो कंडक्ट करते हैं। सभी एग्ज़ाम्स में बहुत एक अच्छा गुड नंबर्स ऑफ वैकेंसीज रहता है एक सर्विसमैन के लिए। इसलिए ये जो वेबसाइट है एक सर्विसमैन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेबसाइट है। और इस वेबसाइट्स को जो जॉब सीकर्स है, जो एक सर्विसमैन अभी अभी रिटायर किया है, उनके लिए तो ये वेबसाइट, मैं कहूँ ये डेली चेक करते रहना चाहिए कि क्या इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट इसमें दे रहा है, क्या आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है। और एक खुशखबरी आपके लिए और है कि ये जो अभी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन बन रहे, आपने न्यूज़ में सुना होगा, जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बन रहा है, NRA बन रहा है, जिसका थ्रू आप किसी भी जॉब में अगर ज्वाइन करना चाहिए, एक कॉमन एंट्रांस टेस्ट होगा आपका, CET होगा, जिसके तहत आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका स्कोर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो अब उम्मीद है कि SSC का बाद वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेबसाइट होगा। जब उनका वेबसाइट लॉन्च होगा तो उसका भी जो लिंक है वो हम प्रोवाइड करेंगे हमारे यूट्यूब का वीडियो का द्वारा। नेक्स्ट जो वेबसाइट है नंबर 11, वो है इंडियन नेवल प्लेसमेंट एजेंसी। इंडियन नेवल का जो प्लेसमेंट एजेंसी है, यहाँ पे आप रिटायरमेंट से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया, कैसे आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे और आपका जो जॉब प्लेसमेंट है वो कैसे आपको जॉब दिलाएगा। इसमें नेक्स्ट है आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन आर्मी का एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक सर्विसमैन के लिए जॉब प्रोवाइड करते हैं। आर्मी प्लेसमेंट एजेंसी इंडियन आर्म फोर्सेस पर्सनल जब रिटायर होते हैं उनके लिए रिटायर्ड पर्सनल, एक सर्विसमैन का जरूरत है, एक सर्विसमैन का जो एक्सपीरियंस है, जो जॉब एक्सपीरियंस है, जो लॉयल्टी है, इस चीज़ का जहाँ पे कद्र है, ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एक सर्विसमैन को टेम्प्रेरी बेसिस पे काम दिया जाता है, इस सभी तरह का ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे जो भी वैकेंसीज रिलीज होता है वो इसका थ्रू आपको मिल पाता है। आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक प्रीमियर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन आर्मी और ISO 9001:2008 जो मार्क्ड है, इस टाइप का एक ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पे आप अगर जॉब सीकर है या फिर आप एक सर्वी हैं या वीर नारी है या फिर आर्मी का डिफेंडेंट है, सभी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे। इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा और अप्लाई करने के बाद जब आपका टर्न आएगा या फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का मुताबिक अगर कोई पोस्ट आपके लिए मिलेगा, जब भी कोई पोस्ट खाली होता है, वैकेंसीज़ यहाँ पे मिलता है, वैकेंसीज़ यहाँ पे एजुकेशन आता है, तो आपको कॉल किया जाता है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है नंबर 13, इंडियन याफोर्स प्लेसमेंट सेल। इंडियन याफोर्स का प्लेसमेंट सेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि याफोर्स पर्सनल जो रिटायर होते हैं उनके लिए जॉब प्रोवाइड करते हैं। इस वेबसाइट के तहत आप रजिस्टर कर सकते हैं इंडियन याफोर्स प्लेसमेंट सेल में, और जॉब वैकेंसीज रहता है उसका भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सा जॉब वैकेंसीज अभी है, और उसी के मुताबिक आप अप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन। आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि सभी डिफेंस फोर्सेज पर्सनल के लिए रेसिडेंशियल यूनिट प्रोवाइड करते हैं। लगभग इंडिया का सभी सिटीज़ में AWHO का प्रोजेक्ट है जहाँ पे हजारों ड्वेलिंग यूनिट्स है, फ्लैट बना रहे हैं, और वहाँ पे बहुत सस्ते दाम में, बहुत अच्छे लोकेशन में और अच्छा क्वालिटी का जो फ्लैट्स आपको मिल सकता है। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो सारे प्रोसेस इस वेबसाइट में, AWHO का जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट्स में आपको सारे प्रोसेस मिल जाएगा। तो आप ज़रूर इस वेबसाइट्स को लॉगिन करके देखें। अगर आप ऐसी कोई ड्वेलिंग यूनिट ढूंढ रहे हैं, आप फ्लैट खरीदने के लिए सोच रहे हैं, तो ज़रूर आप इस वेबसाइट को एक बार लॉगिन करके देखें कहां कौन कौन सा जगह पे आपका जो सूटेबल जगह है वहां पे कौन कौन सा प्रोजेक्ट अभी अनगोइंग है। नेक्स्ट जो वेबसाइट है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन आर्म फोर्सेस का एक R&D ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे समय के साथ बदलता हुआ जो जमाना है, जब दुनिया बदल रहे, दुनिया नई नई टेक्नोलॉजी से
समृद्ध हो रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट का साथ साथ हमारे आर्म फोर्सेस को भी अपडेट करना है, उनको भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का साथ परिचित करना है और आर्म फोर्सेस को डेवलप करने के लिए, आर्म फोर्सेस को और ज़्यादा एम्पावर्ड बनाने के लिए हमारे ये जो DRDO ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ का जो साइंटिस्ट लोग हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तभी हमें एक का बाद एक ऐसे मिसाइल मिल रहा है, ऐसी वेपन्स मिल रहे हैं जो वर्ल्ड क्लास लेवल का है। और आप रिसेंट न्यूज़ में भी देखे होंगे, अब इंडिया एक ऐसी कंट्री बना जब डिफेंस सेक्टर में फुल्ली इंडिपेंडेंट है, फुल्ली जो फॉरेन से कोई भी वेपन्स अभी इंपोर्ट करने का ज़रूरत ही नहीं है, इंडिया खुद बना सकते हैं सारे वेपन्स, इंडिया खुद बना सकते हैं मिसाइल, उनका फाइटर प्लेन, सारी चीज़ इंडिया भी बना सकते हैं। और जो भी छोटा मोटा चीज़ें जो इंपोर्ट अभी भी हो रहे हैं, वो अभी एम यही है कि अगले 5 ईयर्स के अंदर इंडिया ऐसी बने जो कि हमें किसी भी टाइप का इक्विपमेंट बाहर से, दूसरा कंट्री से इंपोर्ट करने का ज़रूरत ना हो। ये काम कर रहे हैं DRDO। सो फ्रेंड्स, DRDO का वेबसाइट को देखना, DRDO का वेबसाइट के बारे में जानना, एक इंडियन होने के नाते, एक सर्विसमैन होने के नाते मुझे लगता है बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारा मॉरल ड्यूटीज़ है कि हम अपना डिफेंस फोर्सेस को जाने, हम इंडियन आर्म फोर्सेस को जाने, इंडियन आर्म फोर्सेस में क्या अपडेट आ रहे हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, इसके बारे में हम टाइम टू टाइम जाने। नंबर 16 में है इंडियन आर्मी, ज्वाइन indianarmy.nic.in। इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेबसाइट है। इस वेबसाइट में इंडियन आर्मी का जो फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं उनका, उनके लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही, और जो सर्विस कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर कमीशन लेना है, ऑफिसर बनना है, ACC कमीशन, SCA कमीशन, PCSL कमीशन, इस कमीशन, सभी कमीशन का रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस साइट से मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, ये जो वेबसाइट है सर्विंग पर्सनल के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और एक सर्विसमैन के लिए तो है ही, क्योंकि आप अगर अपने बच्चे को ऑफिसर्स कैडर में या GCOs वार कैडर में, किसी भी कैडर में इंडियन आर्मी में ज्वाइन करवाना चाहते हैं तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो वेबसाइट है वो एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, और एज ए सिटीजन ये वेबसाइट हर इंडियन सिटीजन के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि देश का रक्षा, देश का जो रक्षा के लिए हमारे जो गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव्स है, क्या कर रहे हैं हमारे फौजी भाइयों, क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट, हमारे डिफेंस फोर्सेस में क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ नए अपडेट्स लेके आ रहे हैं, ये सारी चीज़ आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगा। इसलिए एक इंडियन सिटीजन होने के नाते और डिफेंस पर्सनल होने के नाते ये अपडेट आपके पास होना आई थिंक बहुत ही ज़रूरी है, और ये वेबसाइट आपको ज़रूर महीने में एक बार कम से कम देखना ही चाहिए। नेक्स्ट जो वेबसाइट है वो है RTI पोर्टल, ऑनलाइन RTI पोर्टल। देखिए, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे हमारा कोई ना कोई काम पड़ता ही रहता है, तो ऐसे किसी डिपार्टमेंट में अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो आप RTI करके पूछ सकते हैं कि आपका जो क्लेम है, आपका जो भी वहाँ का डीलिंग है वो किस स्टेटस में है, और उसका रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता करना है, किसी इन्फॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेना है, तो आपको अभी पोस्ट ऑफिस में जाके RTI एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन केवल मात्र 10 रुपया पे करके आप एक ऑनलाइन RTI एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए है किसी भी डिपार्टमेंट से वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। इसलिए RTI ऑनलाइन ये जो वेबसाइट है, ये जो पोर्टल है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो वेबसाइट है वो है नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी गवर्नमेंट सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं वो सारे सर्विसेज का, जैसे एजुकेशन का है, हेल्थ का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, आपका टैक्सेशन मैटर्स है, जस्टिस एंड लॉ का है, ट्रैवल टूरिज्म है, हर सर्विसेज में, हर एक सर्विसेज में इंडिया गवर्नमेंट का क्या अपडेट्स है, क्या कुछ नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, ये सारी चीज़ आप इंडियन गवर्नमेंट सर्विसेज पोर्टल, इस पोर्टल में आप जान सकते हैं। सिलेबस का बोझ बच्चों को परेशान कर रहा है, दिन का दिन सिलेबस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे हैं ना, आखिर कितने पढ़ेंगे,
कितना याद रखेंगे। यस, ये प्रॉब्लम सबके लिए है। आज का जमाना में पढ़ना भी है, आगे भी बढ़ना है और बच्चों का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। यस, इसी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लेके आए हैं बच्चों के लिए, वो है साइंटिफिक मॉडर्न मेमोरी टेक्निक। जिस टेक्निक को यूज करके बच्चे बहुत आसानी से एक बार पढ़ के याद रख सकता है और ऐसे पढ़ेंगे जो कभी भूलेंगे नहीं। ऐसी कुछ टेक्निक्स है जिसके बारे में बताया गया हमारा यूट्यूब चैनल वंडर मेमोरी चैनल में। आप यूट्यूब में सर्च कीजिए वंडर मेमोरी और हमारे चैनल में दिए गए सारे वीडियोस को देखते रहिए, जहाँ पे आपको मिलेंगे साइंटिफिक मेमोरी टेक्निक जिसको यूज करके बच्चे ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट। और ऐसी एक टेक्निक है जहाँ जो कि सीख के बच्चे एक बार पढ़ के कोई भी चीज हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको याद रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते रहिए वंडर मेमोरी यूट्यूब चैनल, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पब्लिक एंड पेंशनर्स ग्रीवेंस पोर्टल, ये पोर्टल एक ऐसे पोर्टल है जब आप देख रहे हैं कि आपका कोई काम जो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आपका कोई डीलिंग है जो कि आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपको लग रहा है कि ये काम होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सम लैकिंग ऑफ द डिपार्टमेंट, सो आप ये जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है, इसका थ्रू आप जो कंप्लेंट आप कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है सीपी ग्राम, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, इसे सीपी ग्राम कहा जाता है। तो पीजी पोर्टल करके लोग पब्लिक इसको जानते हैं। तो किसी भी टाइप का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में आपका कोई भी कंप्लेंट है, आप इसके थ्रू लॉन्च कर सकते हैं, चाहे वो पब्लिक कंप्लेंट हो या आपका पेंशन रिलेटेड कंप्लेंट हो। तो ये जो वेब पोर्टल है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसका एड्रेस आपके पास होना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, ये था 20 जो इम्पोर्टेंट पोर्टल्स है, वेबसाइट्स है, उसका जो डिस्क्रिप्शन और ये सभी वेबसाइट का जो लिंक है वो इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा हमारा वेबसाइट का नाम है www.exservicemanindia.info। आप इसको गूगल में सर्च भी कर सकते हैं, जैसे आप सर्च करेंगे www.exservicemanindia.info या फिर नीचे दिया हुआ जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस लिंक में क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो वेबसाइट है वहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा और उसी वेबसाइट में, उसी लिंक में आपको कंप्लीट ये 20 वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा। जो भी वेबसाइट आपको खोलना है आप उसी लिंक में क्लिक करके डायरेक्ट किसी भी टाइम पे खोल सकते हैं। और भी अगर इस टाइप का कोई इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरत है तो आगे हम आपको प्रोवाइड करेंगे और अपडेट भी करेंगे। और सिर्फ ये 20 वेबसाइट्स ही काफ़ी नहीं है, और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, पर जो मेन वेबसाइट्स था जो हमारे लाइफ में हर रोज जो काम आता है, ऐसे कुछ वेबसाइट्स 20 वेबसाइट्स आपको बताया। और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिसका डिस्कशन हम अगले वीडियोज में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो के अंत में आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।